व्यूअर्स, अगर आंखों में चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाने के बाद क्या आंखों का ब्लर विजन एक्सरसाइज से सही हो सकता है? आई एक्सरसाइज से, जिसे हम हर दिशा में आंखें घुमाना भी कहते हैं, उस तरीके से अगर आंखों की एक्सरसाइज की जाए तो क्या ये नंबर कम हो सकता है या इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है? तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना ऐसे है कि आँखों का जो एक बॉल का साइज़ होता है, जैसे आप एक डायग्राम में देखिए कि जैसे ये आँख बनी है और इस आँख में जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो हमारी लास्ट वॉल पर जाकर इमेज बनती है। लेकिन अगर आँख में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है या फिर उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है या हमारी ग्रोथ के साथ साथ आँख की भी ग्रोथ हो जाती है, तो वो जो साइज़ रहता है आँख का वो बड़ा हो जाता है। और आँख की बॉल का साइज़ बड़ा होने से, देखिए ऊपर लिखा है नॉर्मल आई, जिसमें आँख की इमेज जो पीछे जा रही है बिल्कुल लास्ट वॉल से टच हो रही है, और नीचे वाली जो आई है उसकी इमेज पीछे की वॉल से थोड़ा सा पहले बन रही है। तो ये कारण क्यों होता है? क्योंकि आँख की जो बॉल है उसका जो पीछे का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इस कारण वो इमेज वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। और इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? एक लेंस, जो कि आँखों के आगे हम चश्मे में यूज़ करते हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इमेज नेचुरल आई में जैसे पड़ती है उसी जगह पर पहुँच जाती है, जिससे कि हमें क्लियर दिखने लगता है। अब बात यह आती है कि अगर हम आई एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उससे ये प्रॉब्लम सही हो सकती है? तो जाहिर सी बात यह है कि जब हम चश्मा पहन रहे हैं तो उसमें हमारा नंबर -1 के आसपास पहुंच चुका है या फिर 1.5 के आसपास होगा तब पहुंच चुका है, कभी कभी आधा नंबर पे भी चश्मा लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपका नंबर इनिशियल स्टेज पर है, यानी 0.25 है या 0.50 है या जिसको आधा कहते हैं या चौथाई नंबर कहते हैं, अगर इस स्टेज पर है तब तो आंखों की एक्सरसाइज से फ़र्क जल्दी आ सकता है। लेकिन अगर आपका नंबर बढ़ चुका है, -1 के आसपास आप नंबर यूज़ कर रहे हैं, तब एक्सरसाइज से एकदम इम्प्रूवमेंट आना एक्सेप्शनल केसेस तो हो सकते हैं बट नॉट श्योर। तो इसलिए हम एकदम से ये डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि आई एक्सरसाइज से आपकी आँख की बॉल का साइज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब बॉल का साइज़ करेक्ट होगा तभी क्लियर दिख सकता है। तो बॉल का साइज़ जब बढ़ चुका है तो वो कम होना इतनी जल्दी और ऐसे स्वाभाविक संभव भी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप आई एक्सरसाइज करते हैं और आपकी इनिशियल स्टेज है, अभी आपने अपनी आंखें चेक करवाई हैं और आपको लगता है मेरी आंखों में नंबर आना शुरू हो गया है, तो उस समय आप आई एक्सरसाइज करिए, उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। दूसरी एक बात इसमें ये इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पर सर्टेन टाइम तक सर्टेन एंगल पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे रिफ्रैक्टेड एरर आ जाता है। मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक बुक है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं बैठा रहता हूँ बुक पर ऐसे पढ़ता हूँ और मैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ, शफल किया मैंने पेज, मैं इधर ही देख रहा हूँ, ऐसे करके देख रहा हूँ, तो ऐसे ही पढ़ता रहा। दिस मीन्स कि आप एक सर्टेन एंगल पर कई घंटे तक पढ़ रहे हैं। अभी मैंने क्या किया, मैंने बुक जो थी इधर रखी और गर्दन टेढ़ी की और फिर मैं थक गया हूँ, फिर मैं ऐसे करके पढ़ रहा हूँ, मेरी आँख जो है वो तिरछा उस ऑब्जेक्ट को देख रही है, एक एंगल पर देख रही है, और फिर मैं कई घंटे तक इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ रहा हूँ और मैं ऐसे देख रहा हूँ। अब ये बुक भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, टीवी भी हो सकती है। टीवी में दिक्कत तब होती है जब हम सोफे पर लेटकर और आंखें तिरछी करके कभी ऐसे टीवी देखते हैं कि हमारा डायरेक्शन तो बॉडी का सामने है और हम टीवी यहाँ रखा है और हम इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये जिस एंगल से आप देख रहे हैं तो उस एंगल से, या फिर मोबाइल अगर हमारे हाथ में है इस तरीके से तो हम मोबाइल में लेट गए हैं, लेट के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं और कई घंटे तक अगर हम मोबाइल किसी डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो इस एंगल से देखना आंखों के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक सर्टेन टाइम तक इस सर्टेन एंगल पर अगर हम लगातार देखेंगे तो फिर हमारी आंखों में रिफ्रैक्टेड एरर आ जाएगा, आंखों में नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हमें अपने जो भी हम काम करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसमें चेंज करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल है, टीवी है, कॉपी है, बुक है, स्टडी है या फिर
कोई भी ऐसा काम, तो उसमें हम थोड़ी देर तक उसको एक एंगल से देखें, फिर थोड़ी देर में उस एंगल को चेंज करें, थोड़ा सा आँखों को भी मूवमेंट दें, इधर उधर देखें, गर्दन घुमाएं और फिर उसको कंटिन्यू करें। चाहे कंप्यूटर में बैठे हैं तब भी ऐसे ही करें, मोबाइल है तब भी ऐसा करें, और डिस्टेंस को ज़रूर मेंटेन करें। जो 16 से 25 इंच की जो दूरी होती है आँखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की, उसे ज़रूर मेंटेन करें। मैं मोस्टली खुद फील करता हूँ, अपने घर में भी फील करता हूँ, देखता हूँ कि जो लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़े होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या फिर मोबाइल हाथ में होता है, तो अल्टीमेटली वो धीरे 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 हाथों को कंफर्टेबल इतनी दूरी लगता है और इतनी दूर से हम उसको पढ़ते हैं, जबकि इतना आँखों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे आँखों से दूरी कम से कम इतनी होनी चाहिए जिसमें हम जो हमारे पास जो बड़ा स्केल होता है जिसको हम एक फिट का वाला स्केल कहते हैं, वो मान लीजिए एक अंदाज़ा कि उतनी दूरी और उससे ज़्यादा तो हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस से ही हमें ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए, अब चाहे वो बुक है, चाहे वो मोबाइल है, कोई भी चीज़ जो भी आप काम कर रहे हैं। तो इसका आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि ये आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और हम डेली लाइफ में इन चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। तो इसको अगर आप याद रखेंगे, नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे और एक जो एंगल है उसको ध्यान रखेंगे कि हमें एक सर्टेन टाइम तक एक लगातार किसी भी एंगल पर एक निश्चित समय तक हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना नहीं है, तो शायद हम आँखों में आ रहे इस रिफ्रैक्टिव एरर से बच जाएंगे। तो आई होप सो कि ये बात आप ध्यान रखेंगे और अपनी आँखों को स्वस्थ भी रखेंगे इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद। ठीक है, तो अगर आपके कोई फिर भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो सही लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।